सो गाइज, आज है संडे का दिन और हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। और ये देखिए, आज बना है सरसों का साग, बाजरे की रोटी, उसके ऊपर घी लगा हुआ है, और ये है लस्सी और ये है दही। तो गाइज, हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोग भी बता सकते हैं कि आपने आज ब्रेकफास्ट पे क्या खाया। देखिए, सुकून ब्रेकफास्ट कर दिया, दाब में अपने रजाई में बैठी हुई है और हम भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। दायरा की अबेकस की क्लास चल रही है, तो इसलिए वो हमारे साथ नहीं है। तो चलो, आज पहले तो ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं, फिर देखते हैं। गाइस, ये पापा ने बोला है गुलाब जामुन का गर्म करके लाने, तो गुलाब जामुन का करने चलते हैं। तो तू तो मेरा अम्मा के पहन के आई है। एक हाथ में ड्राई फ्रूट, एक हाथ में गुलाब जामुन, तो कीट कैसे करेगा। तो मैं आ चुकी हूँ बंदर कर्म कर्म गुलाब जामुन लेके। हेलो गाइस, आज संडे का दिन है और आज हम फुल मस्ती कर रहे हैं बेड के ऊपर, ओनली बेड, नथिंग एल्स। तो भाई, सारा दिन हो गया खाट में पड़े पड़े तंग हो लिए हम। इस राम ने कहे थे कोई इस बारिश में बंद कर देगा, हमारी छोरी का मुंह देखियो, जमाई उतर गया ये, जमाई तंग हो ली मिट्टी मिट्टी खाट में, ये रो भी लिया हंस भी ली, और देखियो ये बेचारी ने कैमरा उठा लिया। तो भाई लोगो, बाहर निकलने का कोई रास्ता का बताओ, जुगाड़ बताओ, बारिश को बंद कराओ, हम बाहर जाएंगे, कुछ नया करेंगे। इस लड़की का फेस तो देख लो बेचारी का, इतनी परेशान है ये, इतनी परेशान है ये, हद से ज़्यादा परेशान हो चुकी है। तो अब इसको समझ में नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या, ये तो स्माइल भी नहीं कर रही है तो ढंग से। सो गाइज, आज दायरा बना रही है कॉफ़ी सबके लिए। देखिए, इसने आज यूट्यूब से कॉफ़ी की रेसिपी सीखी है और बहुत ही अच्छे एफर्ट्स मार रही है ये। देखिए, इसने कितनी अच्छी कॉफ़ी बनाई है अभी अभी। देखिए, ये कॉफ़ी कितने टाइम से कर रही है बेटा, आधा घंटा हो गया, हाफ एन आवर से। देखिए, छोटी सी बच्ची कितना जान लगा के कॉफ़ी बना रही है सबके लिए। तो बेटा, कितनी देर में और बन जाएगी ये? 2 मिनट। तो 2 मिनट में भाई, सब भाई लोगों देखो, ये देख रहा है, ये स्वीटर सा बाबू हमारा, ये छोटा सा बेबी हमारा बड़ा हो गया, अभी कॉफ़ी पिला रहा है सबको बना के। तो अभी कॉफ़ी बना के लाएगा, हम देखते हैं इसकी कॉफ़ी कैसी बनती है। आई होप, मतलब मुझे तो लग रहा है कि बहुत अच्छी बनने वाली है कॉफ़ी ये। इसका पेस्ट इतना अच्छा लग रहा है, देखो इसने कितना अच्छा बना दिया, और इसने यूट्यूब से रेसिपी देख के, सिर्फ यूट्यूब से सीख के ही कॉफ़ी ट्राई की है। चलो देखते हैं गाइस अभी कैसी कॉफ़ी बनती है। दूध गरम करके, दूध गरम रख दिया हाँ? तो गाइस, फाइनली दायरा की बन गई है कॉफी। दायरा दिखाना कैसी बनी है। तो गाइस, बहुत ही ज्यादा यम्मी बनी है, और दाम्या बताएगी, दाम्या कैसी बनाई है दायरा ने कॉफी। टेस्टी है, टेस्टी है। तो ले भाई, हमारा तो पप्पू पास हो गया, जिसने फर्स्ट टाइम कॉफी बनाई है। दायरा, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, मेरा मन है कॉफी का शॉप खोलूं। अरे भाई, ये तो अभी से कॉफी शॉप खोलने का सोच रही है, कैमरे की तरफ तो देख नहीं रही है, कॉफी शॉप ही खोलने की सोच रही है। और हॉट कॉफी है, कोल्ड कॉफी है? ये हॉट है, हॉट कॉफी है। यम्मी बनी है। यस।
तो गाइज आपको भी अगर यम्मी कॉफी पीनी है तो आप दायरा से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपने कमेंट्स में अपना नंबर ड्रॉप करिए, दायरा आपको कनेक्ट करेगी और कॉफी भेजेगी बना के। दायरा भेजोगे? ये देखिए अभी तो अपनी कॉफी एंजॉय कर रही है ये, इसको तो बहुत ही यम लग रही है अपनी कॉफी। सो गाइस देखते हैं डुगो भी अपने टॉय से खेल रही है, उसने अपना पूरा सेट बना रखा है डॉल सेट, तो वो देखते हैं। मेरे टॉय से मेरे पुराने टेडीज मिले हैं मुझे, इनकी आईज टूट गई थी तो मुझे अभी यहाँ पे मिले। सेटिंग करते हुए मिले हैं। सो आज के लिए इतना ही, तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में। अभी मेरे पास टॉयज हैं पर जितने मिले मैंने अभी वही दिखाया, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज में। सो गाइस जैसे कि अभी रात हो चुकी है एंड बारिश जस्ट रुकी है, मतलब कि थोड़ी थोड़ी हो रही होगी, तो अभी मैं नीचे जा रही हूँ दादा दादी का हाल देखने के। ये देखो वो भी अंदर घुस गई थी क्योंकि बारिश आ रही थी एंड इसको रोटी मांग रही है ये। चल दी दादी बाहर डोगी आई, रोटी मांग रही है। वो देखो काली रोटी दे दो उसको। क्या कर रहा था? व्लॉग पापा का है। रोटी रोटी मिल गई है, अभी दादी डोगी को रोटी देगी। चले ये मांगने आ जाती हैं खुद ही, आग चमक रही है इसकी, अंधेरा और है बाहर भी डॉगी खड़े हैं, आग चमक रही है बाहर उसकी। सो गाइस बारिश तो रुक गई है जैसे कि आप देख ही सकते हैं। दादी दो तो रोटी है, एक एक रोटी देना पड़ेगी। कैसी आग चमक रही है गाइस देखो, एंड यहाँ पे ये रोटी खा नहीं रही है, खड़ी वहां पे तो गीला होगा ना, सड़क गंदी होगी। सो दादी ने रोटी डाल दी, अब दादी अंदर जा रही है। यहाँ पे दादा कंबल ओढ़ के टीवी देख रहे हैं। दादा क्या देख रहे हो टीवी में? है न्यूज? ये तो कुछ और है। इंडिया गॉट टैलेंट। चलो गाइस आपने देखा दादा दादी क्या कर रहे थे, तो मैं वापस ऊपर जा रही हूँ, देखते हैं अब डुगू फिर से क्या कर रही है। सो गाइस देखो ये देखिए डुगू, डुगू क्या कर रही है टॉयज दिखाने के बाद? मैं सेटिंग कर रही हूँ मम्मा। सो ये मम्मा की हेल्प कर रही है सेटिंग कराने में, am I right? Yes. Yeah. So, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। सो ये है वो पॉपेट जो ये रो रो कर लाई थी, और अभी ये बहुत दिनों बाद हमारे सामने है, और ये याद भी ना कि हम ये लाए हैं, मतलब कि ये रो रो के लाई थी। ऐसे रखती है डुगू। मेरा एक ऑलरेडी घूम चुका है। सो ये भी घूम करना है? नहीं।
सो ये कचरे में क्यों पड़ा था? कचरे में नहीं, वहाँ पड़ा था। वहाँ भी क्यों पड़ा था, संभाल के क्यों नहीं रखा? भैया ने फेंक दिया था। भैया ने, भैया का नाम लगा ले। नहीं, झूठ नहीं बोल। अच्छा भैया जब व्लॉग देखे तो क्या कहेगा? डिनर आ चुका है। डिनर में है शक्कर, दाल और साग और बाजरे की रोटी भी है। तो चलो अभी डिनर करते हैं, उसके बाद ब्लॉग एडिट करते हैं आज का। गाइस दूध आ गया और ये दामिया ने अपना और मीठा दूध ख़त्म कर दिया है और मैं भी दूध पी रहा हूँ। सो गाइस आज का दिन तो सारा ऐसे ही निकल गया, बारिश हो रही थी बाहर काफ़ी तेज, कहीं भी नहीं जा पाए पूरा दिन। आज हमने बेड पे मस्ती की, सारा दिन बेड पे बैठे रहे, खाया पिया और आज का संडे का दिन हमारा ऐसे ही निकल गया। चलो आज का ब्लॉग अभी एडिट करते हैं और इसको अपलोड करते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और अपना बैठ के खाइए पिए मौज करिए, क्योंकि बाहर तो हम जा भी नहीं सकते हैं वैसे भी। चलो टेक केयर गाइस।